Hello and welcome in this video. My name is Bhagyashree Pandagre and I am going to tell you about secondary media or secondary storage. Introduction. हर कंप्यूटर कई सारे डिवाइस कंसिस्ट करता है उसके इंस्ट्रक्शन डाटा को स्टोर करने के लिए ताकि वो अपनी जो भी वर्किंग हो वो परफॉर्म कर सके। ये जो इंस्ट्रक्शन डाटा स्टोर होते हैं वो किसी भी स्टोरेज यूनिट में कंप्यूटर के स्टोर होते हैं, और ये जो स्टोरेज कंपोनेंट या मेमोरी कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए फॉलोइंग टाइप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और इंटरनल प्रोसेसर स्टोरेज। जब भी हम डाटा स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मीडिया और सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, मतलब जब तक आप इसको डाटा इरेज या रिप्लेस नहीं कर सकते तब तक ये खुद ब खुद डाटा इसमें आप डिलीट नहीं होता है। ये कंप्यूटर इंटरनल और एक्सटर्नल होता है कंप्यूटर के। ये प्राइमरी स्टोरेज के से अलग होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज में आपका जो डाटा है वो टेम्प्रेरी सेव होता है, और प्राइमरी स्टोरेज एक वोलेटाइल स्टोरेज होता है, मतलब जब तक आपने इसको पावर सप्लाई है तब तक इसमें डाटा रहेगा, और जैसे पावर सप्लाई ऑफ हुई तो आपको दोबारा से इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा और अपना टास्क जो है वो ऑफिस से परफॉर्म करना पड़ेगा। पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपका परमानेंट डाटा सेव स्टोर करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म पे आपका डाटा स्टोर करते हैं। ये सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होते हैं इसको हम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोलते हैं। ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं सीपीयू से, जबकि जो आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है या फिर मेन मेमोरी जिसे हम बोलते हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सीपीयू से। अब हम देखते हैं कि आप इसमें क्या क्या सेव कर सकते हो। तो आप कई सारी बहुत सारी चीज़ें सेव कर सकते हो, जिसकी प्रोग्राम, आपका एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और आपका जो जनरल यूजर डाटा है वो आप सेव कर सकते हो। सेकेंडरी स्टोरेज सेकेंडरी मीडिया में जो पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी ये अपना डाटा लूज नहीं करता है, इसलिए आइडियल बैकअप और डाटा स्टोरेज डिवाइस भी हम इन्हें बोलते हैं। हम इन्हें डाटा बैकअप के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम है जिसकी फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, सीडी, डीवीडी, स्टोरेज टेप, ये सारे डिवाइसेज है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन स्टोरेज, पीसी कार्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, इसके एग्जांपल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और टेप ड्राइव एक्सेट्रा। इन्हें हमें आईओ पोर्ट से कंप्यूटर में कनेक्ट करना होता है ताकि कंप्यूटर जो आपका डिवाइस है वो एक्सेस हो पाए सिस्टम के थ्रू। इसमें कभी कभी खुद की पावर सप्लाई की नीड होती है और कभी नहीं होती है। हम टाइप देखते हैं स्टोरेज के, तो तीन टाइप के मेन टाइप होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक टेप सबसे ओल्डेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, इस पर ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, इस पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ये डाटा को परमानेंट सेव करता है। यूज़ होता है ये रीड और राइट करने के लिए डाटा को। इसका जो ये एक्सपेंसिव होता है स्टोरिंग कॉस्ट, और ये एक रील के फॉर्म में यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल स्टोरिंग टेप इसका एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल डिस्क, ये लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है डाटा को रीड और राइट करने के लिए। लेज़र बीम ऑप्टिकल डिस्क की सरफेस पे स्मॉल होल्स से राइट क्रिएट करके डाटा को राइट करती है। ये इसके जो टाइप होते हैं ऑप्टिकल डिस्क के वो होते हैं सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी, डीवीडीआर और डीवीडीआरडब्ल्यू। मैग्नेटिक डिस्क जो थर्ड टाइप होता है, थर्ड मेन टाइप होता है, वो जो होता है वो थिन, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, इसमें प्लास्टिक डिस्क के सर्कुलर मैटर की कोटिंग होती है। ये डाटा को मैग्नेटिक स्पॉट्स के फॉर्म में सेव करता है, और ये फास्ट होता है मैग्नेटिक टेप के। और तीन मेन टाइप के मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क। अब हम कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस देखते हैं। हार्ड डिस्क, इसको हम फिक्स डिस्क भी बोलते हैं। ये एक या एक से ज़्यादा मेटल प्लेट कंसिस्ट करता है। मेटल प्लेट्स वो मेटल मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करती है, कोट रहती है उससे डाटा स्टोर करने के लिए। इसके भी रीड राइट हेड होते हैं। अब ये हार्ड ड्राइव जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता है। ये पहले इसमें जो भी डाटा है पहले कैश में जाता है फिर सीपीयू में आता है, और ये इसलिए ये उतने फास्ट नहीं होते जितने की रैम होती है। ये रैम में जो है वो सीपीयू से कनेक्ट, रैम या मेन मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज, ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसमें ट्रांसफर जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क।
और पर रैम में आपको पावर ऑफ होने के बाद डाटा वो आपका डाटा इरेज हो जाता है, और जबकि हार्ड डिस्क में ऐसे नहीं होता है। ये इसलिए भी होता है कि रैम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड होती है उसमें, और जबकि हार्ड ड्राइव में आपका डाटा जो है वो मैग्नेटिकली स्टोर होता है, ना कि इलेक्ट्रिक करंट। अब सीडी रोम, सीडी रोम एक टाइप की ऑप्टिकल डिस्क का टाइप है। ये एक फ्लैट और राउंड होती है। ये ज़्यादातर हम म्यूजिक स्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये अपना डिजिटल डाटा, एक तरह से ये डिजिटल डाटा अपना स्टोर कर रही है। ये इसका परफॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सिर्फ रीड करने के लिए होती है, और ये इसमें डाटा ट्रांसफर करना बहुत ईजी होता है। ये 650 to 750 डाटा स्टोर करती है, इतना इसकी कैपेसिटी होती है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव बहुत ही पॉपुलर वे है स्टोर करने के लिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये इसमें हम डाटा बैकअप के लिए, ट्रांसफर करने के लिए फाइल को और स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज स्पेस होता है। इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती है स्टोर करने के लिए फाइल। और फ्लैश मेमोरी एक टाइप की कंप्यूटर चिप होती है। फ्लॉपी डिस्क, ये भी एक पॉपुलर वे है डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ये इसका यूज़ हम मूव करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन मूव करने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप और अदर डिवाइसेस को में मूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। फ्लॉपी डिस्क में हमें फ्लॉपी ड्राइव में इसको इंसर्ट करना पड़ता है ताकि डाटा रीड और स्टोर हो सके। फ्लॉपी डिस्क हालांकि सीडी रोम और यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कम डाटा स्टोर करती है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है फीचर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। जो भी आप कंप्यूटर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन का, ये है कि आपको डाटा रिकवर करना है, जो भी आपने कंप्यूटर सीज किया है, जब्त किया है, जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस के तौर पर, क्योंकि बहुत सारी आप इसमें डाटा से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और कई आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा केस सॉल्व करने में। इसलिए एक्सपर्ट जो है बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ करते हैं एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए, ताकि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग जो होती है उसमें वो एज एविडेंस को प्रेजेंट कर पाए। अब डाटा रिकवरी की हम बात करें तो हम वो मोबाइल डिवाइसेस, कंप्यूटर सर्वर और कोई भी अदर स्टोरेज डिवाइसेस हम वो कर सकते हैं। डाटा फॉरेंसिक का भी हम यूज़ कर सकते हैं करते हैं वो ट्रैक करने में, फ़ोन कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, ट्रैवल ईमेल्स को। सेकेंडरी स्टोरेज जहाँ कई सारे इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, हम ब्राउजर की हिस्ट्री देख सकते हैं रिलेटेड जो जो भी उसने, और ब्राउजर की हिस्ट्री देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि किसकी वो प्लानिंग करता है, क्या उसको नीड, क्या उसको जरूरत थी, क्या वो सर्च कर रहा था, मतलब किस बारे में वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। तो एक तरह से हमें उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, रिलेटेड फाइल की किस क्या फाइल उसने डिलीट की है वो भी, उससे भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हम उसके फ़ोन कॉल अगर हमें मिल रहा है कोई मेम्बर का, तो हम उसके फ़ोन कॉल्स को ट्रैक कर सकते हैं, फ़ोन डिटेल्स निकाल सकते हैं, और उसके लास्ट लोकेशन देख सकते हैं, फिर टैक्स देख सकते हैं, SMS जो भी इसने किया होगा, यानी कोई भी इसने सॉफ्टवेयर जो भी उसने इंस्टॉल किया होगा, या भी जो भी उसके हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव में होगा उसकी लोकेशन देख सकते हैं। जैसे कि फ़ोन कॉल से हम उसकी लोकेशन, मेमोरी अगर हमें मेमोरी कार्ड मिला है तो, इसके ईमेल देख सकते हैं, ईमेल से भी कि किस ग्रुप से वो अटैच था, क्या क्या ईमेल उससे आते हैं, तो इससे कई सारे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इससे हमें इतनी सारी डिटेल्स, हमें इंफॉर्मेशन उसके रिलेटिव और फ्रेंड्स के बारे में कि किस क्या किससे उसकी ज़्यादा बातचीत रहती है, कौन रिलेटिव उसके कांटेक्ट में, तो वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। और बाहर जाके हम सर्च कर सकते हैं उसकी फ़ोटो, और फोटो अगर उसमें होगी तो फोटो से भी हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिस्टम लॉक्स मतलब जहाँ पे भी उसने लॉग इन किया होगा, तो लॉग इन जहाँ पे भी आप करते हो वो प्री डिफाइंड होता है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देने पड़ते हैं, और सिस्टम लॉग में आप जो भी चेंजेस करते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये भी हम उससे सिस्टम लॉक से, हार्ड ड्राइव से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बूट सेक्टर से हम जो भी बार बार ओपन जो किया होगा वो हम देख सकते हैं, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी, उससे भी हम कई सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और रिकॉर्ड्स जो भी उसने रिकॉर्ड रखे होंगे अपने पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में, वो भी हम देख सकते हैं कंप्यूटर में। एडवांटेज जो होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज का, वो सेफ होते हैं, रिलायबल होते हैं, परमानेंट होते हैं, हाई स्पीड ह्यूज वॉल्यूम डाटा होता है उसका,
लेस एक्सपेंसिव होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, डाटा इसमें इरेज नहीं होता है, और पोर्टेबल आप कहीं भी ले जा सकते हो, ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म पर वो डाटा स्टोर करते हैं। डिसएडवांटेज ये कि ये प्राइमरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी ये स्लो होते हैं ट्रांसफर करने के लिए, इंफॉर्मेशन जो होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे वो पहले कॉपी और फिर मूव करना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेता है। जब और ये मतलब नेगेटिव फील्ड और हीट और सनलाइट से थोड़ा डैमेज हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।